हम बात कर रहे हैं गोल्ड एम इंटरनेशनल की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 1% तक की गिरावट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। इससे पहले जब स्टॉक ने 170 के लेवल से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ था, हमने डिस्कस किया था 180 तक के टारगेट को। कहा गया था कि 180 का लेवल इसका रेजिस्टेंस है, वहाँ से स्टॉक रिजेक्शन दिखा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमको 180 के लेवल से स्टॉक रिजेक्शन दिखा चुका है। उसी लेवल से हमको सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। 167-168 का जो इसका सपोर्ट है, तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। स्टॉक उसी सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक होता नज़र आया। हम देख सकते हैं इससे पहले जब स्टॉक ने हमको बाउंस बैक दिखाया, हम देख सकते हैं उसी सपोर्ट से स्टॉक हमको अगेन सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। यहाँ से स्टॉक हमको और तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ सकता है, जहाँ से रिजेक्शन लिया है 180 के लेवल से, इसको ब्रेकआउट करने के पूरे चांस बन रहे, क्योंकि हम देख सकते हैं गिरावट के बाद जब स्टॉक बाउंस बैक हुआ, अगेन गिरावट आई है, तो अपने लो को स्टॉक ने ब्रेकडाउन नहीं किया है। जब पहली दफ़ा जंप आया, गिरावट आई, तो इस लो को ब्रेकडाउन नहीं किया। अगेन जंप के बाद गिरावट आई, तो इस लो को ब्रेकडाउन नहीं किया। यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर की ओर सस्टेन होता नज़र आ रहा है, अपने हाई के आसपास ही है। गिरावट आती है तो 174 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, और स्टॉक जब तक 167 के ऊपर है, तब तक बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है, जहां से इससे पहले भी स्टॉक हमको सपोर्ट लेता नज़र आया। अब इमीडिएट टारगेट का काम करेगा 180 का लेवल, हमको इसी लेवल पर नज़र रखना है। जैसे ही 180 का लेवल ब्रेकआउट होगा, उसके बाद हमको इसमें बड़ी बाइंग, बड़ा जंप भी देखने के लिए मिल सकता है। 180 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद अगर सस्टेन होता है, तो बड़ा जंप, बड़ी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। फिर अगला टारगेट 194 से लेकर 200 तक के टारगेट गोल्ड एम में हमको शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।